फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा गुड लाइफ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक चिल्ला, और वो है लौकी का। आपने बेसन का चिल्ला तो खाया होगा, लेकिन लौकी का मुझे नहीं लगता कि आपने वो खाया होगा, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होगा। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। लौकी का चिल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लौकी लेंगे, और एक कटोरी, बड़ी कटोरी मैंने लिया है बेसन, एक बड़ा प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, धनिया के पत्ते लिए हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर लिया है। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घिया का जो है ऊपर का छिलका उतार देंगे, और फिर हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये सारी घिया को हमने कद्दूकस करना है। पहले घिया को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक खाली बाउल लेंगे और इस कसी हुई घिया को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। हम इसमें एक बड़ी कटोरी बेसन डाल देंगे, इसमें बारीक कटा हुआ अनियन वो भी डालेंगे, और हम इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिला देंगे। इस मिक्सचर में पानी ऐड करेंगे, पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसे मिला देंगे। घिया पहले से ही पानी बहुत छोड़ती है। अभी हमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत होगी, थोड़ा पानी मैं और ऐड करूंगी। और इसे मिला दूंगी। ये देखिए, हमने इसे ऐसे मिला देना है। अब हम इसमें 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1/2 स्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है, और क्रिस्पी बनाने के लिए हम हरी मिर्ची डालेंगे और इसे मिला देंगे। और इसके अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें हरे धनिया के पत्ते भी ऐड करेंगे, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। को हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इसको हमने इस तरह से बनाना है। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। चलो आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खाली पैन लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम इसके चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे, और फिर हम इसके अंदर अपना पेस्ट जो हमने बनाया है लौकी का वो हम डालेंगे, और इसे भी हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। देखिए, इसको बनाते समय हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे, और ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को आपने लो ही रखना है, नहीं तो ये बीच में से कच्चा रह जाएगा। अभी हम इसको एक साइड से पकने देते हैं। एक साइड से ये पक चुका है अच्छी तरह से। ये देखिए, ऐसे हम पलटे की सहायता से इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसके चारों तरफ ऑयल लगा देंगे ताकि नीचे वाले हिस्से में भी इसके ऑयल लग जाए। इसको हम ऐसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जो बीच में से इसका कच्चा बन भी ख़त्म हो जाए, और खाने में बड़ा टेस्टी और क्रिस्पी लगे। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पलटे की सहायता से पलट देते हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे।
हमारा चिल्ला जो है लौकी का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पैन से बाहर निकालती हूँ। दूसरा चिल्ला भी तैयार कर रही हूँ। ऐसे ही मैं लौकी के सारे चिल्ले तैयार कर दूँगी।